हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एसएससी सीजीएल रीजनिंग का 6 जून का पेपर शिफ्ट 3। अदर पेपर के सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब करें प्रिपरेशन रूट्स। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चूज द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट। ये मेरा सेट दे रखा है 6, 9, 18। मेरे को इसी का ही सिमिलर फाइंड आउट करना है। कैसे? देखिए, मैंने 6, 9, 8 का फॉर्मेट देखा। 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, एंड 18 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 6। सिमिलरली मैंने सबके पैटर्न्स को पहले ही लिख दिया है। ये पहले मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि जिससे वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो और आपको प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली हमारा मेन मोटो है उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है, तो मैं आपको सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने पैटर्न चेक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में 14, 21 और 42 में मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 6 हो रहा है। सिमिलरली जैसे इसमें हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है और 6 से हो रहा है। बाकी तीनों में वो फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, तो डेट मीन्स ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिलेटेड पोजिशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ द नंबर 1 इज ऑन द बॉटम ऑफ द डाइस। मैंने अपने दो लेक्चर शेयर करे थे रिलेटेड टू डाइस, उसमें आपको ट्रिक शेयर कर रखा है। आइए ट्रिक से ही करते हैं। तो 6 से मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। इस डाइस में 6 से मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, पहले 6 फिर 1 फिर 4। अब इसमें देखना है सिमिलरली 6 से ही जाना है, तो 6 गए फिर 3 और फिर 2। पेयर फॉर्म किया। अब आप देख रहे होंगे 1 के साथ क्या आ रहा है, 3। डेट मीन्स 1 के अपोजिट जो होगा वो 3 होगा, तो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड इज राइट टू द फ्रंट ऑफ द फिगर। इस फिगर का मेरे को मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर इमेज के लिए देखिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना, उसी के अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ कर देंगे, एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लेना। अब आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे अप होगा वो उसमें डाउन होगा। मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, यहाँ पे अप है तो यहाँ डाउन होगा, ये मेरा अप होगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ अप है और ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, तो यहाँ से मेरा कैंसिल आउट हो गया ये ऑप्शन। अब आप देख रहे होंगे जो मेरा लेफ्ट में होगा वो मेरा राइट में हो जाएगा, तो ये मेरा लेफ्ट में है, ये यहाँ से ये पूरा ऐसे जा रहा है और ये मेरी लाइंस फॉर्म हो रही हैं इस तरीके से। अब आप देख रहे होंगे ये लेफ्ट में है, डेट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और ये डी ऑप्शन में मेरा यहाँ पे वर्टिकल लाइन है पर यहाँ हॉरिजॉन्टल है, डेट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द ऑड वर्ड आउट। तो आपको इसमें ऑड वर्ड आउट करना होगा। पहला है सेसेशन, दूसरा है वैलिडिक्शन, थर्ड है क्लोजर और फाइनल है इंटरमिशन। ये थ्री वर्ड्स जो हैं तीनों वर्ड्स रिलेटेड होते हैं एंडिंग से, रिलेटेड टू एंडिंग, एंड से रिलेट होते हैं, और लास्ट वर्ड जो है वो इंटरवल से रिलेटेड है। डेट मीन्स ये वाला ऑप्शन मेरा ऑड आंसर है, तो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म रिलेटेड है, सेकेंड टर्म रिलेटेड है फर्स्ट टर्म से, सिमिलरली मेरे को फोर्थ टर्म निकालना है जो थर्ड टर्म से रिलेटेड हो। अब आप देख रहे होंगे लैम्प लैम्प है और पाल्म है, ये वर्ड है और मेरा मेल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे पी जो है वो मेरा फर्स्ट में आ गया है, पी मेरा, सिमिलरली ई मेरा फर्स्ट में आ जाएगा, ए मेरा उसी प्लेस पे, ए मेरा उसी प्लेस पे लिख दिया है, और जो एल था वो मेरा थर्ड प्लेस पे है, मतलब एम जो है मेरा वो मेरा थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, और लास्ट वर्ड जो मेरा बचा वो बचा एल, ई ए एम एल। मीन्स ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोसीड करेंगे तो आप एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं और फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ डिवाइड मींस एडिशन, डिवाइड का मतलब एडिशन, प्लस मींस सब्ट्रैक्शन, प्लस सब्ट्रैक्शन,
माइनस मींस मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन मींस डिवीजन, ये इन वैल्यूज को मैंने चेंज कर दिया है, डिवाइड को प्लस से, प्लस को माइनस से, माइनस को मल्टीप्लाई से एंड मल्टीप्लाई को डिवाइड से। इस इक्वेशन में मैं ये वाली वैल्यूज इंटरचेंज कर देता हूँ। आफ्टर इंटरचेंजिंग हमें ये इक्वेशन मिलता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम 72, बोडमास रूल फॉलो करेंगे, 72 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 माइनस 2, तो ये मेरा 8 होगा। पहले डिवीजन होता है, आफ्टर डेट मल्टीप्लीकेशन, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 प्लस 8 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 32 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 30। डेट मीन्स ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। बोर्ड मास क्या है उससे रिलेटेड भी हमने अपना लेक्चर शेयर कर रखा है अपने प्रिपरेशन रूट यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज सेडेटिव इज कोडेड एज दिस लैंग्वेज। सेडेटिव जो है वो मेरा यूज किया है ए डी टी डी ई एस ई बी आई। सिमिलरली मेरे को पर्सनल को कोड करना है, तो मैं क्या करूँगा पर्सनल को यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। अब आप देखिए कैसे कैसे करा है, ए ए मेरा फोर्थ है वो मेरा फर्स्ट पे आ गया है, तो एस मेरा फोर्थ है वो मेरा फर्स्ट पे आ जाएगा, तो ये मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब टी टी मेरा फिफ्थ पे था वो सेकंड पे आ गया, तो टी मेरा फिफ्थ पे था, यहाँ पे ओ मेरा फिफ्थ पे है तो ये सेकंड पे आ गया, तो मेरा टी कैंसिल आउट हो गया है। अब डी डी मेरा थर्ड पे ही है, तो थर्ड पे मेरा आर है, थर्ड पे मेरा अब आप देख रहे होंगे डी मेरा जैसे थर्ड प्लेस पे, इस पे भी थर्ड है, तो आर मेरा थर्ड है तो आर मेरा थर्ड पे आ जाएगा, तो डी मेरा हो गया। अब यहाँ पे मेरे ई दो हैं, तो ई को मैं अभी नहीं लूंगा। एस मेरा फर्स्ट पे है, तो एस कौन सी पोजीशन पे गया है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे, तो एस यहाँ फर्स्ट था, तो मीन्स यहाँ पी मेरा फर्स्ट है तो वो फिफ्थ पोजीशन पे चला जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा कुछ फॉर्मेट लग रहा है, फर्स्ट मेरा नहीं है, सी भी मेरा नहीं है, क्योंकि एस ओ आर है, यहाँ एस ओ पी है, ये भी नहीं है एस ओ आर, ये ऑप्शन मेरा ठीक है, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे V की वैल्यू मेरा सेम है, तो V की यहाँ जो A है वो मेरा A पे ही रहेगा। L देखिए, E जो है E बोथ E में मेरा डिफरेंस है, S मेरा हो चुका है, V मेरा हो चुका है, I मेरा लास्ट पे हो गया है, तो I मेरा लास्ट है, तो यहाँ पे N मेरा जो प्लेस है वो लास्ट पे हो जाएगा। तो सिमिलरली बाकी मेरा जो वैल्यूज है वो मैं सब्सटीट्यूट करके मेरा जो पॉसिबल आंसर लग रहा है वो बी लग रहा है, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द फिगर डेट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में मेरे को नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करनी है जो मेरा आंसर होगा। आइए देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरो है, यहाँ ट्रायंगल है और यहाँ कर्व है। अब ये कर्व मेरा सेकेंड फिगर में इधर चला गया, एरो मेरा पीछे हो गया पर ट्रायंगल मेरा आगे हो गया। सिमिलरली ये सेकंड से थर्ड पे गया, अब नेक्स्ट फिगर में ये फर्स्ट गया, तो एरो की पोजीशन और कर्व की पोजीशन आगे जा रही है और ट्रायंगल की पीछे जा रही है। तो सिमिलरली अब मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब थर्ड फिगर में मेरा ट्रायंगल आएगा सबसे नीचे, ट्रायंगल मेरा सबसे नीचे हो जाएगा, यहाँ आगे है तो ट्रायंगल मेरा पीछे हो जाएगा। अब मेरे को ऊपर के दो देखने, अब यहाँ पे मेरा ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ ट्रायंगल फर्स्ट पे है, ये लास्ट पे, पर ट्रायंगल की पोजीशन मेरी इस पोजीशन पे, ये भी नहीं है, यहाँ पे ट्रायंगल मेरा आगे, ये भी नहीं है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेरा मैच कर रहा है, तो ये एरो और ये कर्व, ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। आपको बेसिकली करना क्या है, ऑप्शंस को साथ साथ ऑब्जर्व करना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन भी कई बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द ऑड वन आउट। अब आपको चार लेटर में ऑड वन आउट करना है। इन इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ही इस तरीके से ए बी सी डी का फॉर्मेट लिख लेता हूँ। अब आप देखिए जे के आर वी जी के आर वी जी के आर वी, जी और के में डिफरेंस है 3 का और आर एंड वी में है 3 का, मीन 3 3 का डिफरेंस आ रहा है मेरा,
बी एफ एम क्यू। बी और एफ में मेरा थ्री का डिफरेंस आ रहा है और एम और क्यू में भी मेरा थ्री का डिफरेंस आ रहा है। मीन्स मेरा जो पैटर्न हो रहा है वो थ्री थ्री वाला पैटर्न आ रहा है। तो नेक्स्ट मैं देखता हूं डी जी के एल। डी और जी में दो है और के और एल में डिफरेंस ही नहीं है। डेट मीन्स मेरा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। इन सिक्स वर्ड्स को आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। आइए देखते हैं। फर्स्टली क्या होगा आपका, फर्स्टली आपका लो प्रेशर जनरेट होगा। लो प्रेशर के बाद आपके क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद आपका रेन स्टार्ट होता है। मीन्स 5 4 5 1 4। अब आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। डी इज माय करेक्ट आंसर। मींस इसके बाद आपका रेनबो फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर आपका फ्लड, एंड लास्ट इज डिवेस्टेशन। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड इन विच टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू वर्ड इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर। ऑथर बुक, आपको जैसे ये ऑथर बुक का रिलेशन है सिमिलरली इसी तरीके का एक वर्ड पेयर फाइंड आउट करना है जो सेम हो। अब आप देख रहे होंगे ऑथर जो है वो लिविंग है, बुक हमारा नॉन लिविंग है, तो मैं इस ऑप्शन को तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकता हूं। ऑथर एक बुक का क्रिएटर हो गया एक तरीके से, पर मेडिसिन जो है वो क्रिएट कोई और करता है, डॉक्टर हमें बस प्रिस्क्राइब करता है। ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। रेप्टाइल क्रोल, ये इसकी एक एक्टिविटी है कि वो एक एक्टिविटी करता है, और स्पाइडर क्या करता है वो वेब जनरेट करता है। ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। अ लेटर सीरीज इन इज गिवन बिलो इन विच टू लेटर आर मिसिंग। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज दैट गिव्स द लेटर दैट कैन फॉर्म दिस ब्लैंक्स इन द ऑर्डर। ये आपका एक सीरीज है, इन सीरीज को मैंने पहले ही लिख दिया है। आपको क्या करना है, एक ये फॉर्म एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें कि एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा हो। अब आप क्या करेंगे, पहले पहले इन ऑप्शंस को फिल कर दीजिए। सी ए बी बी डी सी बी ए बी सी डी बी ए। अब आप देखिए पैटर्न कैसे ऑब्जर्व हो रहा है। ए बी सी ए डी बी ए डी बी ए बी डी ए डी, इसमें कोई पैटर्न नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। ए बी सी ए डी बी ए बी सी ए डी ए और ए बी सी बी डी बी, इसमें भी कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। ए बी सी ए डी बी ए बी सी ए डी बी ए बी सी ए डी बी, तो इसमें मेरे को पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, तो सी इज माय करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैटर्न का होना बहुत जरूरी है, तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर्स। अब मैं आपको एग्जैक्टली तो ट्राइंगल काउंट करके नहीं बता सकता, पर आप ट्राइंगल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप नंबर आप जो भी जैसे ट्राइंगल काउंट करते हैं, जैसे ये वाला ट्राइंगल आपने कैलकुलेट करा है पहले, तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए, फिर 2 3 4 सो ऑन। इस तरीके से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है जो इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड, ये सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। सिलॉजिज्म के मैंने केसेस भी शेयर करें अपने चैनल पे। टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन, नंबर 1 2 3, इसमें आपको कंक्लूजन दे रखे हैं दो स्टेटमेंट के, तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो आपको फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे। ऑल पॉन्ड्स आर पूल, पहले हम पॉन्ड्स को ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारे पॉन्ड्स हो गए हैं। ऑल पॉन्ड्स आर पूल, तो जितने भी हमारे पॉन्ड्स हैं वो हम पूल्स के अंदर काउंट कर लेते हैं, ये पूल्स हो गए हैं। सम वेल्स आर पॉन्ड,
आपकी कुछ वेल्स जो हैं वो पॉन्ड में कंसीडर्ड हैं। आइए देखते हैं, ये हमने स्टेटमेंट फॉर्मेशन कर लिया है, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम पॉन्ड्स आर नॉट वेल्स, पर हमारे सम वेल्स जो हैं वो पॉन्ड हैं, तो डेट मीन्स मेरा जो ऑप्शन है वो ये नहीं है। ये कंक्लूजन मेरा फॉलो नहीं हो रहा है। सम वेल्स आर पूल, सम वेल्स आर पूल, सम वेल्स मेरे पॉन्ड्स हैं पर सारे पॉन्ड्स मेरे पूल्स के अंदर आते हैं, तो कुछ वेल्स जो हैं वो पूल में इंक्लूड हो जाएंगे। डेट मीन्स ये मेरा ठीक है। ऑल पूल्स आर वेल, ऑल पूल्स आर वेल, ये मेरा कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि वेल्स मेरे पूल्स के आउटसाइड आउटसाइड फॉर्म में आ रहे हैं। तो ऑप्शन जो है वो मेरा कंक्लूजन खाली सेकेंड फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज 3, 13, 31। ये मेरे को नंबर फाइंड आउट करना है सीरीज में। अब आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 और 13 में मेरा डिफरेंस है, 3, 13 में मेरा डिफरेंस जो आ रहा है वो 10 का आ रहा है, 13 और 31 में मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा 18 का आ रहा है। अब जो नेक्स्ट नंबर है उसे एक्स ले लीजिए और ये 91। अब आप ये देखिए, इन दोनों में 8 का है, नेक्स्ट में पॉसिबल ले लेता हूं, ये मेरा 26 है, नेक्स्ट में ही ले लेता हूं, ये मेरा 26 है और उससे अगला मेरा 34 हो जाएगा। तो जब मैं 31 को 26 में ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 57, और 57 को जब मैं 34 ऐड करता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 91। डेट मीन्स ये मेरा पैटर्न ठीक है, आंसर मेरा 57 है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिलेक्ट द नंबर पेयर इन विच टू नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू नंबर्स आर गिवन बिलो। 35 और 6 का जो रिलेशन होगा वो इन नंबर्स में से कौन फॉलो कर रहा है। अब मेरे को क्लियरली कुछ चीज दिख रहा है, 6 स्क्वायर क्या होता है मेरा 36, और उसमें से जब मैं 1 माइनस कर देता हूं आ जाता है मेरा 35। मीन 6 का स्क्वायर करा फिर उसे 1 से माइनस कर दिया। अब आप देखिए, 9 का स्क्वायर करूंगा 81 आएगा, +4 करने के बाद 85 आता है। 5 का स्क्वायर करता हूँ 25, ये भी नहीं हो रहा है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है, और उसमें से माइनस करते हैं 1 तो 120। ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं दोनों, डेट मीन्स ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। जैसे फर्स्ट जो सेकेंड फॉलो हो रहा है, ऐसे मेरे को थर्ड के रिगार्डिंग फोर्थ का ऑप्शन निकालना है। अब देखिए, मैं लिखता हूं सी डी ए एफ और एक्स डब्ल्यू जेड यू। अब यहां लिख देता हूं डी ई एफ सी, मैंने ये पहले पैटर्न बना लिया। अब आप देखिए सी डी सी डी सी, अब मैं पहले देखता हूँ सी सी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट और सी के साथ है एक्स एक्स यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे फर्स्ट टू 2 का डिफरेंस और पीछे से 2 का डिफरेंस, सी का एक्स आ गया। अब मैं डी पे आता हूँ, डी मेरा तीसरे नंबर चौथे नंबर पे आता है, अब पीछे से 1, 2, 3, 4, डब्ल्यू मेरा फोर्थ पे आ रहा है, डेट मीन्स आगे से फॉरवर्ड है पीछे से बैकवर्ड जा रहा है। अब ए का जेड, ए फर्स्ट आता है तो यहाँ पे जेड है, पैटर्न वही फॉलो हो रहा है, पहले एक आगे का फिर एक पीछे का, पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। अब आप एफ का देखिए, एफ का है 1, 2, 3, 4, 5। अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे एफ का आ गया, एफ मेरा 6th पोजीशन पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये 6th पे आ गया। अब यही फॉर्म देखना है डी का, डी है मेरा फोर्थ पे, पीछे से फोर्थ देखिए डब्ल्यू, ठीक है। अब मेरे को ई देखना है, ई मेरा 5th पे है तो पीछे से 1, 2, 3, 4, 5, वी डब्ल्यू वी, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब मेरे को एफ का देखना है, एफ एफ का क्या था मेरा यू, तो यू, अब मेरा ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूम इज रिलेटेड टू सीलिंग इन द सेम वे माउथ इज रिलेटेड टू
जैसे रूम हमारा सीलिंग से रिलेटेड है, माउथ किससे रिलेटेड होगा? पैलेट से। पैलेट क्या होता है? हमारा ऊपर का जॉ जो हमारा होता है उसके ऊपर के फॉर्म को हम पैलेट कहते हैं। लिप आउटर हो गया, थ्रोट हमारा इनर, और टीथ हमारे आउटर पोर्शन होता है हमारा जॉ का। तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर क्लस्टर आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द ऑड वन आउट। इनमें से मेरे को ऑड वन आउट करना है, ये मेरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। आइए देखते हैं। ई एफ एस टी, ई एफ एस टी, सी डी क्यू आर, जी एच टी वी। इन दोनों के बीच में गैप आ गया है, और ए बी ओ पी। अब आप देख रहे होंगे ये जो है इनके बीच में गैप नहीं है, इनके बीच में गैप नहीं है, पर इनके बीच में एक यू का गैप आ गया है, तो ये मेरा ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड पेयर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, गार्डन लैडर, किचन फ्राइंग पैन, स्टडी रूम टेबल लैम्प, बाथरूम एंड शावर। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, क्योंकि लैडल मेरा एक तरीके का स्पून होता है जो सूप वगैरह को सर्व करने के काम में आता है, तो गार्डन का कोई रिलेशन नहीं है लैडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये फिगर मेरे को फाइंड आउट करनी है, किस फिगर में मेरे ये पॉसिबली फिट होती है। ए में ये फिगर नहीं आ रही है, मेरे को जो ऑब्जर्व हो रहा है वो बी में है। ये देखिए, ये मेरा फिगर इसमें फॉर्म हो गया, तो ऑप्शन बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। अब अ स्क्वायर पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज गिवन बिलो, हाउ विल इट अपियर व्हेन अनफोल्डेड। ये पहले फर्स्ट इस तरीके से फोल्ड किया है, फिर इसे इस तरह से किया है, फिर ये कट बनाए गए हैं। तो अब आप देखिए इसमें कैसे ये होगा। ये मेरा एक कट ऐसे था, एक ये ऐसे, ये वाला जब कट मैं अनफोल्ड करूंगा तो वो ऐसे दिखेगा, ये सर्कल और ये हो गया मेरा। अब आप देखिए ये जो सर्कल है ये दो यहीं पर ही रहेंगे, तो डेट मीन्स मेरा जो ये है ना, तो ये सर्कल मेरे इस पोर्शन में आएगा ना इस पोर्शन में आएगा जब मैं इसे ओपन करूंगा। ये इस तरीके का फॉर्म बन गया है, तो इसमें भी फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये इधर कट भी जनरेट होगा जब ये सेंटर वाला हम अनफोल्ड करेंगे इन दो डायरेक्शन में। तो ऑप्शन डी जो है वो मेरा सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द टर्म डेट विल कम इन द प्लेस ऑफ 7/11/1931, और मेरे को ये फॉर्म निकालना है। अब आप देखिए 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, 11 और 19 में मेरा 8 का है, 31 और 19 में मेरे 12 का है, ये मेरा 4 का टेबल का फॉर्म हो रहा है, तो नेक्स्ट मेरा 16 होगा, तो 31 + 16 = 47, और ये 20 हो जाएगा, ये 67। 47 इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन अ कोड लैंग्वेज वेरी इज रिटन एज, वेरी को हमने UDQX लिखा है। सिमिलरली मेरे को अर्जेंट का फाइंड आउट करना है, मैं टेबल फॉर्म कर लेता हूं। इसीलिए मैंने रिमेनिंग क्वेश्चन में पहले लिख दिया था, आप भी यही करिएगा, पेपर स्टार्ट होने से पहले इस फॉर्म को लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे। V का U एक फर्स्ट मेरा -1, मतलब एक स्टेप पहले जा रहा है। E का D यहाँ पे भी मेरा -1 फॉलो हो रहा है। R का Q ये भी -1 हो रहा है, और Y का X -1 की प्लेस फॉलो हो रही है। मेरे को U का देखना है, U का क्या हो जाएगा, T, U से पहले T है, R से पहले Q है, G से पहले मेरा F है। अब आप देखिए TQF, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट
करेक्ट, मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को कुछ ही पोर्शन से इसका आंसर मिल गया है। लास्ट क्वेश्चन, चूज द वेन डायग्राम दैट इज द बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग क्लासेस, वुमन, वुमेन, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंजीनियर। मेरे को वेन डायग्राम फाइंड आउट करना है जो बेस्ट रिलेशन फॉर्म करेगा। देखिए मेरा वुमेन कैटेगरी ले लिए मैंने, अब उसमें कुछ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर होंगी जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगी, जो अपने आप काम करती होंगी, बाकी नहीं होंगी, ये रिलेशन हो गया। अब इंजीनियर्स, इंजीनियर्स में मेरे मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, और कुछ इंजीनियर्स ऐसे होंगे जो एंटरप्रेन्योर भी होंगे, तो मेरा एक रिलेशन ये बन के आ रहा है। डेट मीन्स ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। तो ये तो मेरा सोल्यूशन था SSC का, रीजनिंग के पेपर का। 6 जून को जो पेपर हुआ है उसका Shift 3 का। अदर पेपर के सोल्यूशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मैंने आपको पहले बताया हमारा यूट्यूब चैनल है प्रिपेशन रूट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और किसी भी ट्रिक के रिगार्डिंग अगर आपको लेक्चर चाहिए तो हमें बताइए, हम उसके रिगार्डिंग वो ट्रिक आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू गाइस।